तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोप्रो का स्टिकर है, मेरे को यहाँ पे मतलब उल्टा पकड़ लिया, ये वाला गोप्रो का स्टिकर है, मेरे को यहाँ एलईडी वाला जो स्टैंड है वहाँ पे एक लगाने का है और एक यहाँ पे या शायद यहाँ पे लगाऊँ, तो ये स्टिकर मैं अभी लगा देता हूँ क्योंकि गोप्रो में कम से कम 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, स्टिकर वैसे ही ख़राब हो रहा है और कोई ज़्यादा ये स्टिकर लगाता नहीं है, बट मैंने सोचा क्यों ना गोप्रो ही यूज़ करते तो गोप्रो का स्टिकर लगाना में क्या वो है, मतलब वो मतलब याद नहीं आ रहा है समझ लो। और ये यहाँ पे स्टिकर लगाने से पहले मेरे को यहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे ये आपको समझ में आता होगा यहाँ पे धूल लग गई है, मतलब यहाँ पे थोड़ी धूल हो गई है, थोड़ा गंदा हो गया है। और ये साफ़ करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक टेबल हुआ करता था, वो अभी मैं नीचे ले गया हूँ, तो वो टेबल वापस ऊपर ला दूँ और यहाँ पे जो खाली जगह है उसको मैं भर दूँ, और वो टेबल में मेरा सामान बहुत हुआ करता था, तो वो सामान मेरे को कभी कभी नीचे लेने जाना पड़ता है, इसलिए मेरे को मैंने सोचा क्यों ना टेबल वापस ही यहाँ पे रख दूँ। और जो मेरा कंप्यूटर का इलेक्ट्रिक बोर्ड ये वाला है वो मैं ये टेबल पे यहाँ पे जो टेबल था वहाँ पे रखता था, बट अभी मैंने यहाँ पे रखा है तो समझ लो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे कुछ हार्ड ड्राइव या कार्डर ये सब यहाँ पे रखता हूँ तो कभी कभी गिरने का चांसेस हो, इससे अच्छा अपने टेबल ही वहाँ पे रख देते और यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे शायद ये भी मैं वो वाले टेबल पे रख दूंगा और ये जो अपना है ये भी वो वाले टेबल में रख दूंगा, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ प्लान है। तो टेबल सबसे पहले ऊपर लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा ये टेबल यहाँ पे सेट हो चुका है, क्लीन करके मैंने रख दिया है। और जो ये खाने वाने है इसमें, अबे ये नहीं टूट गया है थोड़ा, इसको भी अपने रिपेयर करवाने वाले हैं और इसको पेंट भी करने वाले हैं, मैं खुद पेंट करूंगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ सामान रख दिया, मतलब सेट कर दिया है, ये डब्बे को मेरे को नीचे रखना था बट यहाँ पे जो स्पेस है दोनों टेबल के बीच में वो कम है तो डब्बा आ नहीं पाया और पहले मैं रखने का भूल गया, और कम यूज़ होता है जो सामान वो मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया है, तो बीच में स्पेस है टेबल में, बाकी ये जो खाने वाने हैं उसमें सब सामान मैंने रख दिया है, वहाँ पे भी एक बड़ा खाना है तो वहाँ पे भी मैंने कुछ सामान रख दिया है फाइनली। और थक गया मतलब कंटिन्यूस बोलते बोलते थक गया, मतलब सोच लो मैंने इसको साफ किया, अकेले मैंने ऊपर लाया तो फिर इसको साफ करने का टाइम आ चुका है, क्लीन करते करते पूरा थक चुका हूँ और फाइनली क्लीन हो चुका है। देखो ये रहा अपना पूरा जो स्पेस है और डेस्क, तो भाई साहब पूरा क्लीन करते करते पूरा थक चुका हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और फाइनली क्लीन हो चुका है। देखो ये रहा पूरा अपना सेटअप, ये रहा अपना पीसी, और यहाँ पे जो एक डेस्क लगाया था टेबल लगाया था तो यहाँ पे अपने स्पीकर का ऊपर लगा दिया, एक स्टूडियो लाइट का जो बॉक्स था मेरे को नीचे रखना था तो ऊपर रह गया, और यहाँ पे मैंने हेलमेट रखा है, इसमें एक लकड़े का बाउल है उसमें थोड़ा कुछ सामग्री है, और ये अपना टूल किट है, मतलब कंप्यूटर में कुछ खोलना वोलना हुए तो अपने पास वो भी है। ये टेबल पे रहेगा पीसी और यहाँ पे एक रहेगी नोटबुक और एक रहेगा रफेड, और नोटबुक के अंदर मैंने 2 पेन रख दिए, मतलब मेरे को कल जो काम करना है वो ये मैं रफेड पे लिख दूंगा तो मेरे को याद रहेगा, मतलब कभी कभी क्या होता है कि भूल जाता हूँ जो काम करना होता है भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा होगा तो याद रहेगा। और इसमें मैं YouTube के बारे में कुछ लिखूँगा, जो भी टॉपिक है या कंटेंट क्या बनाना है वो सब मैं लिखूँगा। और ये वाला जो यहाँ पे भी धूल भूल लगी थी तो ये भी क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे अपने भगवान जी का फोटो रखा है, और यहाँ पे मैंने कुछ कैमरा रखे, ये रहा अपना ड्रोन का बॉक्स, अंदर ड्रोन रखा है, और क्या है सब बाहर रखता हूँ तो धूल लग जाती है इसलिए ड्रोन तो मैंने अंदर ही रखा, क्योंकि ड्रोन में जो एग्जॉस्ट के लिए जो होल होते हैं उसमें अगर धूल चली गई तो ड्रोन ख़राब होने का चांसेस है, इसलिए मैंने ड्रोन अंदर ही रखी है, बाहर लगाने का कोई मतलब नहीं, खाली शोकेस के लिए ही रखा है। और यहाँ पे अपना मिरर रहेगा, मिरर पे मैंने ये एक माउंट लगाया है, अगर मेरे को इस एंगल से शूट करना है, ये वाली जो अभी शूट करो ये वाली एंगल पर शूट करना है तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कैमरा माउंट कर देना है और आराम से खड़े रह के बात करना है शूट करना है। और यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगाया, लाइट स्टैंड लगाया, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइट यहाँ पे लगा दूँ क्योंकि ये जो खड़ी लाइट है उसको मैं निकाल के ऊपर फिक्स करने वाला हूँ, कुछ यहाँ बैठ के मैं अभी शूट करूँगा तो यहाँ से मेरे को लाइट चाहिएगी, तो यहाँ पे एक LED लाइट मैं लगाने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ लगा के एक बार ट्राई कर लेता हूँ। बहुत ढूंढने के बाद मेरे को लाइट अभी नहीं मिल रही है, शायद नीचे रखी होगी तो नीचे जाके अभी देखूंगा, अभी स्पेशल नीचे जाता नहीं हूँ, तो वो लाइट मिलेगी तो मैं यहाँ पे स्टैंड कर दूंगा, तो यहाँ से अपने को पूरी लाइट मिलेगी। और उसके ऊपर मेरे को जो केल्विन सेट करना है तो ये ऊपर लगाने का होता है ट्रांसपेरेंट येलो कलर का, तो वो अच्छा एक प्योर वाइट नहीं एक वार्म लाइट का इफेक्ट आएगा तो अच्छा लगेगा, सोच रहा हूँ देखते हैं अभी क्या होता है।
वेरी गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो मैंने ख़त्म नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी क्लिप शूट करके वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर दे, मतलब एंड कर दे। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर दे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना, क्योंकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।